स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फूड जोन बाय अक्की में। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, आप मेजरमेंट के लिए कुछ भी ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून कोको पाउडर और 1/4 चम्मच मैं बेकिंग सोडा डालूंगी इसमें। अब इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना हो। ये हमारा छन चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अखरोट डालेंगे, थोड़ा सा अखरोट। किशमिश भी डाला है मैंने, जो ऐड रिकॉर्ड नहीं हो पाया, छूट गया है। थोड़ा सा बादाम और काजू, और लास्ट में थोड़ा सा हम पिस्ता डालेंगे। तो मैंने 1 कप चीनी लिया है, ये मैंने पीसी चीनी ली है। आप चाहें तो बारीक कण वाली चीनी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच बटर, आप चाहें तो इसकी जगह वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हैं कोई भी, और वेनिला एसेंस डालेंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम इन सबको एक पतला सा बैटर बनाएंगे, ना ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हो। मिक्सर की सहायता से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है। इतना ही पतला हमें बैटर चाहिए। आज हम इसको कढ़ाई में बेक करेंगे, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और यहाँ पे मैंने नमक का यूज़ किया है। ये नमक मैंने 2-3 बार यूज कर लिया है। अब इसको इसमें हम स्टैंड रख देंगे और इसको 5 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। इस तरीके से ये हमारा जब प्री हीट हो जाएगा तब हम इसमें अपना केक बेक होने के लिए रखेंगे। हाई फ्लेम पेन मैंने रखा है। यहाँ पे मैंने केक पेन लिया है, आप चाहो तो किसी छोटे बर्तन या बाउल में भी केक को बेक कर सकते हो। मेरे पास केक पेन है तो मैंने इसमें बटर पेपर लगा लिया। बटर पेपर ना हो तो आप नॉर्मल पेपर को कट करके इसके साइज का और उसमें बटर लगा के भी आप रख सकते हो। अब मैं इसमें अपना बैटर डालूंगी। इसको हम 2-3 बार डैप डैप कर लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और फिर इसके ऊपर मैंने डार्क चॉकलेट लिया है, जो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और इसके ऊपर मैं चॉकलेट केक है इसलिए मैंने इसके ऊपर डार्क चॉकलेट इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। और यहाँ पे जो थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट बचे हुए थे, तो थोड़े बादाम, किशमिश, अखरोट, काजू और पिस्ते को भी हम इस पर अच्छी तरह से फैला के डाल देंगे। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है, 5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें अपना केक का पेन रखूँगी इस तरीके से, और इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखेंगे। फिर फ्लेम को हम लो कर देंगे, तकरीबन 30 या 40 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे। आप चाहो तो बीच बीच में चेक भी कर सकते हो ये हमारा हुआ है या नहीं, टूथपिक या नाइफ की सहायता से। 40 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको टूथपिक की सहायता से चेक कर लूँगी कि हमारा केक हुआ है या नहीं। बीच में मैंने चॉकलेट डाला था, तो टूथपिक को हम साइड में चेक करेंगे जहाँ पे चॉकलेट ना हो, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये हमारा हुआ है या नहीं। आप देख सकते हो स्मूथली निकल आ रहा है, यानी कि हमारा केक बेक हो चुका है अच्छे से। केक हमारा बेक हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको बाहर निकाल के ठंडा होने दूंगी, तब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। इसको हम आराम से इजली निकाल लेंगे। मैंने इसीलिए पेपर को बड़े ऊपर करके छोड़ा था ताकि इजली निकल जाए, क्योंकि चॉकलेट है तो प्लेट को उस पर रख के हम उल्टा नहीं पलट सकते, नहीं तो चॉकलेट और पूरी ऊपर की डेकोरेशन ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे केक ठंडा होने के बाद।
और इसके पेपर को आराम से धीरे धीरे हम हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि केक हमारा कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है और काफ़ी स्पंजी भी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।